Assalamu alaikum. Today we discuss about land adaptation of plants. जब plants ने water से land की तरफ move किया तो सबसे बड़ा plants को problem थी वो थी water shortage की. ये अपनी water की कमी को कैसा पूरा कर सकते हैं? कहते हैं इसके लिए plants ने क्या किया? Formation of compact multicellular plant body which help in the conservation of water by reducing cell surface area exposed to dry land सरफेस. कहता है प्लांट्स ने क्या किया कि अपनी बॉडी को मल्टी सेलुलर किया और जो बाहर वाली सतह को बाहर वाले इन्वायरमेंट को टच कर रही थी उधर बहुत कम सेल रखे और ज़्यादातर सेल जो थे वो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहे थे. तो इस तरह इन्होंने अपनी वाटर की शॉर्टेज को पूरा किया. कहता फॉर्मेशन ऑफ कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी विच हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाई रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया एक्सपोज टू ड्राई लैंड कंडीशन. प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल फर्दर रिड्यूस दी लॉस ऑफ वाटर बाई एवेपोरेशन. कहते उसके बाद जो बाहर वाली एक्सपोज लेयर थी उसके ऊपर भी प्लांट्स ने किसकी लेयर चढ़ा ली अपने ऊपर क्यूटिकल की. तो इस तरह भी वाटर जो एवेपोरेट होना था उसकी उसमें कमी हो गई. तो इस तरह वाटर अपनी शॉर्टेज को पूरा कर सकता है. ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये एक लेयर होगी बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस. उसके बाद कहते हैं इसके नीचे इन्होंने बहुत सारे सेल बना लिए. ठीक है, कहते हैं ये जो वाली लेयर है यहाँ से ले गई यहाँ तक ये इन्वायरमेंट को टच नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ ये वाली लेयर टच कर रही है इन्वायरमेंट को. सिर्फ यहाँ से पानी इन्वायरमेंट में एवेपोरेट हो सकता है. और इसके ऊपर भी प्लांट्स ने क्या कर लिया, क्यूटिकल की लेयर अपने ऊपर डिवेल्प कर लिया और इसकी वजह से पानी यहाँ से भी वेपोरेट होने के चांसेस बहुत कम है. तो इस तरह जो प्लांट से जो जब उन्होंने लैंड के ऊपर एवेल्युएट किया तो इस तरह से पानी की शॉर्टेज को कवर करने की कोशिश की. उसके बाद कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू इनटू स्पेशल चैम्बर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट लूजिंग मच वाटर एंड एक्सपोजर टू लाइट. फिर उसके बाद चूंकि हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है. तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्होंने अपने सेल्स को खोलना होता ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सकें. तो कहते हैं कि इन्होंने अपने फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ को ऐसे चैम्बर्स में रखा जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब किया जा सके और पानी भी एवेपोरेट ना हो सके. तो ये भी एक इनकी अडाप्टेशन थी कि डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू इनटू स्पेशल चैम्बर्स. उसके बाद कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक राइजाइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एंकरेज. कहते हैं उसके बाद इन्होंने जो प्लांट्स है इन्होंने रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया राइजाइट. साइंटिस्ट ने नाम दिया राइजाइट का. कहते हैं राइजाइट का फंक्शन क्या होता है कि ये जमीन से पानी को अब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद ये प्लांट को ज़मीन के साथ एंकरेज भी करवाते हैं, मतलब कि सपोर्ट देते हैं ताकि वो ज़मीन के साथ अटैच रहें. तो ये तीसरी स्ट्रक्चर, ये तीसरी अडाप्टेशन है क्या कि प्लांट्स ने कि अपनी बॉडी में राइजाइट बनाई ताकि वो ज़मीन से पानी को अब्जॉर्ब कर सकें. उसके बाद कहते चौथी अडाप्टेशन जो प्लांट्स ने की वो थी हेट्रोगैमी, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. हमने कल भी बताया था कि गैमेटोफाइट जनरेशन में दो टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरे फीमेल गैमेट. फॉर एग्जांपल एक क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, मोटाइल स्पर्म और दूसरा नॉन मोटाइल एग. कहता है इससे भी प्लांट्स को ज़मीन के ऊपर अडाप्टेशन या सर्वाइव करने में हेल्प मिली. तो ये चार अडाप्टेशन थी प्लांट्स की अडाप्टेशन टू लैंड हैबिटेट. सबसे पहले क्या थी कि उन्होंने मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाई और ऊपर वाली जो एपिडर्मस थी जो एनवायरनमेंट को फेस कर रही थी उसके ऊपर भी उन्होंने क्यूटिकल की लेयर चढ़ा ली ताकि जो पानी की वेपरेशन होनी थी वो कम से कम हो. उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने अपने फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ को एक स्पेशल चैम्बर में रख लिया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जॉर्व किया जा सके और वाटर का लॉस भी कम से कम हो. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना दी जिसको नाम दिया राइजाइट का. राइजाइट का फंक्शन क्या है कि ये ज़मीन से पानी को ऑब्जॉर्व करेगी और प्लांट्स को प्रोवाइड करेगी. उसके बाद चौथी अडाप्टेशन थी कि इन्होंने अपने अंदर दो तरह के गैमेट्स बनाना शुरू कर दिए, एक मेल गैमेट्स दूसरे फीमेल गैमेट्स. ठीक है, जो मेल गैमेट्स है वो उनको नाम दिया स्पर्म और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. जबकि जो
फीमेल मेल से उनको नाम दिया एक्का, और ये क्या होती है नाम काइल होते हैं। उसके बाद पांचवी अडाप्टेशन है, कहता है किमेरस आर प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडी एंड आर्चिगोनिया। कहता है ये जो प्लांट्स हैं अपने किमेरस बनाए, इन किमेरस को बनाने के बाद इनकी प्रोटेक्शन भी की है, और प्रोटेक्शन एक स्पेशल स्ट्रक्चर से की है जो कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि किमेरस किस में, जो मेल किमेरस है वो किस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे एंथ्रीडिया में, और जो फीमेल किमेरस है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे आर्चिगोनिया में। उसके बाद कहता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विच इज रिटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी ड्यूरिंग इट्स डिवेलपमेंट। कहता है गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स की उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा जायगोट, जायगोट ग्रो करके क्या बनेगा एम्ब्रियो। कहते ये जो एम्ब्रियो बनेगा ये क्या होगा मल्टी सेलुलर होगा, मतलब कि एम्ब्रियो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और इस एम्ब्रियो की फिर क्या कहता है प्लांट ने इसकी प्रोटेक्शन की है, ये प्रोटेक्शन किस में होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इसकी प्रोटेक्शन होगी, प्रोटेक्टेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी ड्यूरिंग इट्स डिवेलपमेंट। कहता है वो फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर ही एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट होगी। और एंड पे हमने देखा था कल के ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो तरह की अडाप्टेशन हुई, एक दो तरह की जनरेशन होती है, एक स्पोरोफाइट जनरेशन दूसरी गैमेटोफाइट जनरेशन, मतलब कि एक सीजन में एक जनरेशन होगी और दूसरे सीजन में दूसरी जनरेशन होगी। देयर इज अल्टरनेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट विद द गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट इनेबल द प्लांट टू प्रोड्यूस एंड टेस्ट बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर अडॉप्टिंग टू द वर्सटाइल टेरेस्ट्रियल कंडीशन। मतलब कि इन्होंने इस दो जनरेशन ने प्लांट्स को इस काबिल बना दिया कि जो इन्वायरमेंट के लिए जनरेशन सूट होगी वो उस कंडीशन में सर्वाइव करेगी, और जो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेगी वो फिर दूसरी जनरेशन के साथ रिप्लेस हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, थैंक यू।